नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। एक माह से 1.5 लाख की हुई ठगी, कुएं में गिरी लोमड़ी को बचाया, दान पेटी चुराने वाले दो युवक हुए गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। माल से 1.5 लाख रुपए नकदी चुराए गए। यवतमाल शहर के इंद्रानी गांधी मार्केट में कपड़ा माल की छत से लटक रहे चोरों ने बड़ी रकम लूट ली। यह घटना सोमवार की सुबह सामने आई। योजना की तरह सुबह जब कपड़ा माल खुला तो गल्ले की दरवाजे खुली मिली। इसके साथ गली की जांच करने पर पता चला कि 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। सोमवार शाम तक शिकायत दर्ज कराई गई और साथ ही ऐसे में रकम कम से ज्यादा होने की चर्चा जताई गई। इसी घटना के इलाके में व्यापारी में भय मच गया। चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर शहर पुलिस ने चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर शहर पुलिस ने मॉल का पूरा दौरा किया। वहां उन्होंने सीसीटीवी देखा। पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के मांग तौर पर चौंकाने वाला जवाब मिला। वे कैमरा केवल लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं। बताया गया है कि फुटेज चालू नहीं था। सवाल किया कि कैमरा क्यों लगाया था तो इससे संबंधित की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। साथ ही आरोपी की जांच अभी भी चल रही है। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। कुएं में गिरी लोमड़ी को बचाया गया। आवरी में तहसील के बोरगांव सकल में किसान दीपक गुणवंता त्रिपुरे के खेत में कुएं में लोमड़ी को गिरने की घटना मंगलवार की सुबह उजागर हुई। छिड़काव के लिए पानी लाने के लिए कुएं में जाने पर पता चला कि कुएं में लोमड़ी गिरी हुई है। वह वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव दल के अधिकारियों ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। रेस्क्यू टीम ने कुएं से लोमड़ी को बाहर निकाला। कहा जाता है कि शिकार की तलाश में कुएं में गिरी हुई थी। इसी दौरान वन विभाग ने बचाव दल को कर्मचारी रस्सी का पिंजरा कुएं में डाला, जिससे लोमड़ी पिंजरे से फंसकर ऊपर आ गई। जिसमें पिंजरे में फंसी लोमड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। इसके बाद से वन परिषद अधिकारी वनखेड़ा ने उसे सुरक्षित स्थान पर जंगल छोड़ दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दान पेटी चुराने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। अमरावती में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में मंदिर की दान पेटी चोरी करने के मामले में आरोपियों को ग्रामीण पुलिस ने अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है। उनमें से दो आरोपी 28,000 रुपए नगद समेत 78,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपी में सूरज ठाकुर शिवाजी पार्क का रहने वाला है और साथ ही सुल्तान शेख जो की गुजरात का रहने वाला है। 25 जून की रात धामनगांव रेलवे की गांधी चौक के जैन मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोरों ने मंदिर की दान पेटी से चुरा लिए थे। इसी दौरान 30 जून की रात दरियापुर में गणेश लक्ष्मी मंदिर, सचिदानंद साई मंदिर, मनोज बार और रामदेव बाबा मंदिर की चोरी के आरोपी में गिरफ्तार युवक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही चोरी करने की घटना भी सामने आई। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मंदिरों के चोरियां करने वाले शातिर आरोपी सूरज ठाकुर उसके साथ सुल्तान शेख के साथ दोनों आरोपियों को मतीजापुर रोड पर घूम रहा था। साथ ही उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।